हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम रीडिंग करेंगे कि आपके पर्सन की अगले कुछ घंटों में, अभी से लेके या फिर राइट नाउ, चलिए देख लेते हैं कि उनकी क्या फीलिंग्स होने वाली है। डेक्स में इतनी सारी जो है वो यूज़ करने वाली हूँ, और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ है, रीडिंग के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे जानोगे कि आपकी किस्मत में लॉयल पार्टनर है या नहीं, ठीक है? वो हम देखेंगे। तो चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं। मैं कार्ड्स निकालती हूँ, और फ्री रीडिंग आपको कैसी पानी है, आपको मेरी कम्युनिटी पे मिल जाएगी। एक बार जाके वहाँ पे चेक इन कर लेना। चल, राइट नाउ ये पर्सन आपके क्या सोच रहे हैं इस वक्त, उनके दिल दिमाग में राइट नाउ आपके लिए क्या चल रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे जो साइन है वो सबसे पहले है कैप्रिकॉन, टॉरस एंड वर्गो। फिर हमारे पास द लवर एनर्जी है, मतलब जेमिनाई एनर्जी है। फिर हमारे पास है अगेन कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीस। लेकिन है ये ऑल साइन वालों के लिए, सो डोंट वरी अबाउट इट। चिंता करने की बिल्कुल भी 2% ज़रूरत नहीं है, ठीक है? सो यहाँ पे मुझे बेसिकली लग रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं कुछ चीज़ों को लेके, ठीक है? मुझे लगता है कि ये बड़ा लग्जरी को बहुत पसंद करते हैं, ये अपने लाइफ में अच्छे से रहना, अच्छे से चीज़ें करना, अच्छे से टाइम स्पेंड करना, मतलब लग्जरी लाइफ इनको बहुत बड़ा पसंद है। पैसा वैसा उनको काफ़ी पसंद है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपनी लाइफ को थोड़ा सा इस वे में एंजॉय कर रहे हैं कि लाइक पैसा है, चीज़ है, इस वे में थोड़ा सा वो इस वक्त अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन काफ़ी इंडिपेंडेंट है, अकेला पैसा कमाते हैं, और कभी कभी वो ये भी सोचते हैं कि आई डोंट नीड एनी वन इन माई लाइफ, मेरी लाइफ में किसी की ज़रूरत नहीं है, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। लेकिन एक चीज़ वो होती है ना कि आप दिखाते कुछ और हो और आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें और होती है। तो मुझे कहीं ना कहीं सिचुएशन वो दिख रहा है कि ये पर्सन दिखा कुछ और रहे हैं और उनकी लाइफ में चीज़ें कुछ और है। चाहे उनकी लाइफ में कितनी भी पैसा हो, कितना भी कुछ हो, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं है। वो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा नाखुश है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट उनको फील हो रहा है, उनको अच्छा फील नहीं हो रहा है। वो कहीं ना कहीं द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में है। दिखाने के लिए तो वो बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छे हैं, बहुत चीज़ें अच्छी चल रही है, लेकिन एक चीज़ वो खुद भी उस चीज़ को फेस नहीं करना चाहते। वो खुद भी अपने एक साइड से दूर भागते हैं, और जो साइड उनका ये है कि उनको भी बड़ा डार्क महसूस होता है, उनको भी आपके बिना अधूरा महसूस होता है, और वो खुद उस चीज़ को देखना नहीं चाहते हैं। अगर एक इंसान खुद ही फेस नहीं करेगा, वो अपने इमोशंस को खुद डरते हैं, अपनी इमोशनल फीलिंग से खुद डरते हैं, अपनी इमोशनल फीलिंग को वो खुद जाहिर नहीं करना चाहते, खुद उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है, और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है उनका इंट्यूशन उनको काफ़ी हद तक ये चीज़ें बोलता है कि तुम अपनी लाइफ का ये वाला साइड जो है वो छोड़ रहे हो, उस चीज़ को देखो। लेकिन वो जानबूझ के उस चीज़ को अवॉइड करते हैं ताकि वो और ज़्यादा इमोशनल ना हो जाए। तो यहाँ पे मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि छुपा छुपा के आपको बहुत याद करते हुए, और काफ़ी मिस्टीरियस पर्सन है, आपको भी ऐसा मतलब कुछ चीज़ें समझ नहीं आएगा कि क्या फील कर रहे हैं, दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन पीछे वो मुझे आपको बहुत याद करते हुए, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? ये बिल्कुल आप मान के चलो कि ये इंसान आपके बारे में बहुत सोचते हैं, और उनको भी बहुत ज़्यादा अच्छे से पता है कि वो सोचते हैं, लेकिन वो आपको वो चीज़ जाहिर नहीं करना चाहते, वो खुद भी उस चीज़ को फेस नहीं करना चाहते, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे कंट्रोलिंग वो दिख रहे हैं अपनी फीलिंग्स को लेके हो, और एक होता है ना कि दूर बैठ के मैं देख रहा हूँ, मज़े ले रहा हूँ, आपके सिचुएशन देख के वो मज़े ले रहे हैं, या फिर आपका सिचुएशन बैठ के देख रहे हैं कि आप इनके लिए कितना हद तक जा सकते हो, ठीक है? मतलब कितना क्या कुछ कर सकते हो, कितना दोस्तों से नंबर लेके बात कर सकते हो, कितना कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हो, मतलब किस हद तक, किस एक्सटेंट तक आप जा सकते हो उनको पाने के लिए। उनको इस चीज़ से एक बड़ा ही सेटिस्फेक्शन महसूस होता है, बड़ा वो सेटिस्फाई फील करते हैं, उनको कहीं ना कहीं लगता है कि मैं इस चीज़ से खुश हूँ, मुझे कोई पाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? अपनी ईगो सेटिस्फाई करते हैं, नेगेटिव वे में नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हाँ ये चीज़ इंसान होते हैं ऐसी, ठीक है?
आपको ऐसा लग सकता है कि दी बड़ी नेगेटिव बोल रही है, लेकिन मुझे वो चीज़ दिख रही है। यू कैन सी कि कैसे इंसान यहाँ पे बैठे हुए हैं, और यू नो उनको पता है कि उनके दिल में क्या राज है, उनकी क्या फीलिंग्स है, और वो मतलब ये कि बड़ा ही आपको लेके तो वो बड़ा ही मुझे सिक्योर दिख रहे हैं, क्योंकि उनको कोई टेंशन नहीं है। यू आर देयर फॉर मी, ये वाली थिंकिंग लेके वो बैठे हुए हैं, उनके दिमाग से ये वाली थिंकिंग चल रही है। ठीक है, तो आपको लेके तो वो मुझे काफ़ी क्लियर, काफ़ी उनके अंदर क्लैरिटी है, ये चीज़ दिख रही है, और इसीलिए आप टेंशन ले रहे हो कि ये किसी और के पास ना चले जाए, ये मुझे ना भूल जाए, लेकिन उनके अंदर वो टेंशन है ही नहीं। ठीक है, वो तो बैठे हुए हैं मस्त मौला, तुम कहाँ जाओगे, तुम तो हो ही यहाँ पे मेरे लिए, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है बड़ा ही ऐसे हैं कि बस जो चीज़ को ठान लिया वो चीज़ को ठान लिया, बहुत ज़िद्दी, या फिर बहुत, मैं बोल सकती हूँ कि अगर एक बार अपने पास पहुँचने का दरवाज़ा बंद कर दिया तो आप कितना भी कोशिश कर लो वो नहीं खोलेंगे, अपने वक्त पे आके बात करेंगे। ठीक है, ये चीज़ उनका है, और आपको ये कहीं ना कहीं लगने लगा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये पर्सन मुझे क्यों एटीट्यूड दिखा रहे हैं, मैंने तो इनको दिल से चाहा है, मैंने तो इनको दिल से रिस्पेक्ट किया है, दिल से प्यार किया है, लेकिन जब मेरी बारी आती है इस इंसान ने क्यों ईगो दिखाया, क्यों एटीट्यूड दिखाया। ठीक है, सो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप गलत नहीं हो, लेकिन जैसे होता है ना कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता है, बुरा मत मानना, एक कहावत है मैं बोल रही हूँ, उसी तरीके से इनको कहाँ हजम होगा आपका लॉयल प्यार, एक इंसान अगर वो एटीट्यूड शो करता है। ठीक है, तो इसीलिए प्रॉब्लम ये है, अदरवाइज आप अपने चीज़ों को मत पोषो कि मेरे अंदर पता नहीं क्या होगा, मेरी लाइफ में क्या होगा, आप मैं राधा की तरह प्यार करती हूँ, मैं लक्ष्मी की तरह सेवा करती हूँ तो चीज़ें वैसी रहेगी, ऐसी नहीं है। ठीक है ना, आपको भी आपका कर्म का, अच्छा कर्म का फल मिलेगा, और उनको अपने बुरे कर्म का फल मिलेगा। ठीक है, सो डोंट वरी, थोड़ा सा वेट करो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द लवर्स यहाँ पे है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपने हमेशा दिल से निभाया है इस रिश्ते को। आई कैन सी बहुत क्लियरली मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपने हमेशा दिल से इस रिश्ते को निभाया है। आपके लिए अदर चॉइसेस थे, आपकी लाइफ में अदर चॉइसेस थे, बट आपने कभी भी कोई चॉइस को ऐसा नहीं देखा, आपका यही था कि मेरा तुम हो और तुम फिक्स्ड हो। ठीक है, मुझे और कोई नहीं चाहिए, या फिर मुझे और कोई चॉइस देखना भी नहीं है। आप अपने इमोशंस को लेके हमेशा ही फिक्स्ड थे, और कहीं ना कहीं आपने हमेशा आपकी बातें जो जो है ऊपर उठ के आपने रखी है, क्योंकि आप हमेशा सही थे, लेकिन आपके पर्सन आपको प्यार तो करते हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ों में वो गलत है, इसीलिए वो आपसे नज़र नहीं मिला पा रहे हैं, उनको शर्म आती है आपसे नज़र मिलाने के लिए। ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा ही ऐसा लगता है कि मुझसे ही गलती हुई है, या फिर गलती चाहे नहीं भी हुई है मुझसे, जो कुछ भी यहाँ पे है शायद मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, इसीलिए उन वो थोड़ा आपसे नज़र नहीं मिला पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उनको अभी फील होने लगा है कि अगर वो आपको झूठ बोल रहे थे, या फिर कुछ चीज़ों में सिर्फ आते थे और अपना फ़ायदा पूरा करके चले जाते थे, या फिर अपना काम निकलवा के चले जाते थे, उनको भी अभी समझ आने लगा है कि आप धीरे धीरे चीज़ों को समझ रहे हो, आप धीरे धीरे उनको समझने लगे हो, वो किस तरीके की पर्सनालिटी है। ठीक है, और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप पूछोगे कि क्या ये पर्सन मुझसे अभी भी प्यार करते हैं, तो उसका आंसर मैं बोलूँगी यस, मुझे काफ़ी इमोशनल कनेक्टेड दिख रहे हैं। लेकिन गाइज, रीडिंग अगर देख रहे हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। ठीक है, फ्री रीडिंग के लिए भी आपको इंस्टा पे डीएम करना है, लेकिन उसका एक प्रोसेस है, उसको जाके प्लीज़ एक बार कम्युनिटी पे देख लो, और ऑलरेडी दो लोग अनाउंस हो चुके हैं, उनको रीडिंग्स भी मिल चुकी है, तो आपकी बारी नेक्स्ट है। ठीक है, और यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन भी प्यार करते हैं, लेकिन आपका जो प्यार है ना उनसे अलग है, आपका ऐसा है कि फिक्स्ड, एंड मैं तुम्हारे लिए दुनिया से लड़ सकता हूँ, लेकिन इनका ऐसा है कि मुझे कॉन्फिडेंस थोड़ा दो, उनके अंदर मुझे काफ़ी वो कॉन्फिडेंस की कमी दिख रही है। अगर प्यार करते हो, अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लेना, खड़ा होना, ये कॉन्फिडेंस मुझे उनके अंदर काफ़ी कमी दिख रही है, तो इस चीज़ के लिए उनको बहुत समझाना पड़ेगा। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में काफ़ी सारी फेजेस से आप लोग गुजर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे फेजेस दिख रहे हैं, तो धीरे धीरे जैसे समय बीतता जाएगा बीतता जाएगा बीतता जाएगा, आपकी रिलेशनशिप की फेजेस चेंज होता जाएगा, टाइमिंग चेंज होता जाएगा। कहीं ना कहीं एक होता है ना कि जितना आग में जलेंगे ना उतना ही एक चीज़ ग्लो करेगा। ठीक है,
तो उसी तरीके का चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आपका रिश्ता जैसे ही हर एक स्टेज देके जाएगा, हर एक स्टेज से गुजरेगा, तब जाके ये रिलेशनशिप में एक प्रॉपर वो आएगी, एक निखर जाओगे आप लोग, ठीक है? क्योंकि अभी आप दोनों का बिखरने का स्टेज है, अभी आप दोनों बिखर चुके हो, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो रहा है कि अंडरस्टैंडिंग की कमी है, किसी एक पर्सन की तरफ से क्यों ना हो, लेकिन अंडरस्टैंडिंग की काफ़ी हद तक कमी है, वो गलती हो रही है, तो निखरने का टाइम चाहिए, सो निखरोगे, ठीक है? और यहाँ पे मुझे व्हील के साथ ऐसा दिख रहा है, नंबर 10 इज इम्पॉर्टेंट, कुछ तो ख़त्म हो रहा है, कुछ तो साइकिल एंड हो रहा है, ये जो है हमारा फुल मून आ रहा है, तो फुल मून से पहले पहले हो सकता है कि कुछ साइकिल लैंड हो रहा हो, आप फुल मून स्पेल भी करवा सकते हो आपके रीयूनियन के लिए, लव लाइफ के लिए, तो आप जो है देख लेना, ठीक है? और देखो एक चीज़ मैं बोलूँगी, मैं उन सब लोगों के लिए बोलूँगी जो लोग किसी से भी रीडिंग लेते हो और या फिर स्पेल करते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन फ्रूटफुल चीज़ें नहीं हुई है, तो मैं एक ऑनेस्ट सच चीज़ बताती हूँ, शायद वो कोई भी आपको नहीं बताएंगे, और आप सुन के ये सोचोगे कि अगर आप बोल रहे हो तो आप क्यों हो, ठीक है? तो मैं बोल देती हूँ, अगर सब चीज़ कर लिया और आपका रीयूनियन नहीं हो रहा है, तो हो सकता है भगवान उसको इसीलिए आपको नहीं देंगे क्योंकि वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, आपको अच्छा लग सकता है लेकिन वो आपके लिए अच्छी नहीं है। तो हमेशा यही ये मत सोचना कोई भी टैरो रीडर, स्पेल कास्टर कुछ भी करके वो वापस ले आएंगे, अगर ले भी आते हैं तो भी वो इंसान चले जाएंगे, क्योंकि सबके ऊपर भगवान है, भगवान हमें बचाते हैं। हमेशा माइंडसेट यही करके चलना कि अगर मुझे लाइफ में कुछ नहीं मिल रहा है तो ये मेरे लिए खराब है, इसीलिए नहीं मिल रहा है, भगवान मुझे बचा रहे हैं यहाँ से, ठीक है ना? तो थोड़ा सा मतलब लॉजिकली, क्योंकि ऊपर वाला सब देखते हैं, हमें नहीं दिखता है, हमें बिगर पिक्चर नहीं दिखता है, भगवान को दिखता है। तो अगर आपको नहीं मिल रहा है तो दुआ करो कि मिले, और अगर फिर भी नहीं मिल रहा है तो थैंक यू बोलो कि थैंक यू आपने मुझे नहीं दिया, अगर मिला होता तो शायद मेरी किस्मत में कुछ बुराई होता, आप खुद भी आपको बुरा दिख रहा है लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो। सो ऑलवेज बी थैंकफुल फॉर वॉट यू हैव एंड मोर थैंकफुल फॉर वॉट यू डोंट हैव, क्योंकि वो हमें बिल्कुल नहीं मिलता जो हमारे लिए ख़राब होता है। भगवान के हम बच्चे हैं, वो थोड़े, आप कोई भी रिलीजन के हो, वो थोड़े हमें जानबूझ के घाई में गिरा देंगे, ठीक है? और कभी कभी जहन्नुम ना कोई एक इंसान भी दिखा देता है, हम जिसको प्यार करते हैं, ठीक है, कभी कभी वो भी हमें जहन्नुम दिखा देते हैं, हम प्यार के पीछे भागते हैं लेकिन वो जो हमें नर्क दिखाते हैं ना, वो मतलब अलग लेवल का होता है। तो भगवान तो देख चुके हैं वो सब चीज़ें, ठीक है? और ये मत सोचना कि दी बोल रहे हैं, वो तो खुद भी रीडिंग्स करते हैं, रेमेडीज देते हैं, स्पेल्स करते हैं, नहीं भैया, हम सबके ऊपर भगवान है, ठीक है ना? और ब्लैक मैजिक की तरफ तो प्लीज कभी मत जाना, वरना इतना उल्टा पड़ेगा, ध्वंस हो जाओगे आप, ठीक है? बिल्कुल नहीं। व्हाट इज मोर, एंजल्स प्लीज गाइड अस, व्हाट इज मोर, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक क्या आया है, एंजल आंसर अराइविंग, तो यहाँ पे उत्तर जो आपको चाहिए वो मिलेगा, और बहुत जल्दी उत्तर आपके लिए आ रहा है, ठीक है? क्योंकि क्या होता है कि किस्मत कभी कभी थोड़ा लेट ज़रूर करती है, लेकिन देती है, जो चीज़ें किस्मत को देनी है हमें वो ज़रूर देती है। सो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ये कार्ड दिख रहा है, और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो है चीज़ें सही होने से पहले बहुत कुछ गलत हो रहा है, और ये जो गलत हो रहा है वो उनके साथ होगा। मैं नहीं बोल रही हूँ कि उनके साथ गलत हो तो ही सही होगा, नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जिसको जो भुगतना है वो तो भुगतेगा। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप उनकी एडिक्शन बन गए हो, या फिर आप उनकी एक आदत के टाइप के हो गए हो, एक आप आदत को इतना इजीली नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है? और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप दोनों की रिलेशनशिप में न्यू स्टार्ट करनी है तो डेफिनेटली एक रिफ्रेश बटन चाहिए, ठीक है? अगर आप दोनों की बहुत झगड़ा होता है ना, तो फिक्स शादी कर लो भैया, चीज़ें फिक्स हो जाएगी, क्योंकि ऑन ऑफ सिचुएशन दूर रहने से भी काफ़ी सारी चीज़ें फिक्स नहीं होती है। वो जाके कब फिक्स होती है, जब आप दोनों बात करना स्टार्ट करते हो, चीज़ों को अक्वायर करना स्टार्ट करते हो, अंडरस्टैंडिंग, साथ में रहने से अंडरस्टैंडिंग होती है, वो सब चीज़ें। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे, मैं इस कार्ड को थोड़ा क्लैरिफाई करती हूँ, क्योंकि बड़ा देर से मेरा मन कर रहा है टू क्लैरिफाई द डिक्टेड कार्ड। थ्री ऑफ एयर, देखो
यहाँ पे ना हार्ट ब्रेक की वजह से शायद शराब पी रहे हैं, या फिर हार्ट ब्रेक की वजह से ये पर्सन मुझे काफी खुद भी टूटते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि थ्री ऑफ शॉर्ट की एनर्जी है। ये पर्सन हील होना चाहते हैं, आपको भूल के हो या फिर किसी तरीके से हो, वो हील होना चाहते हैं, और इसी वजह से जो है ये जो है ना, मतलब बड़ा उनको तकलीफ हो रही है। कैसे आपको अवॉइड किया जाए, कैसे इस दर्द से उभरा जाए, कैसे इस दर्द से निकला जाए, ठीक है। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि सौरव, उनके अंदर दुख है, वो उस दुख को तो जग जाहिर नहीं कर सकते हैं। इज्जत चला जाएगा, दोस्त लोगों के पास जाहिर करते हैं, दोस्त लोग उनको बोलते हैं, कंधा देते हैं, हेल्प करते हैं, चलो ड्रिंक्स कराते हैं, या फिर चलो मैं हमारे साथ बात करो, वो थोड़ा टॉक्सिक एडवाइस दे देते हैं। तो ये सब चीज़ें उनकी लाइफ में काफ़ी हद तक चल रही है। और यहाँ पे अगर आप दोनों मैरिड हो तो यू कैन एक्सपेक्ट ए चाइल्ड, और उसी के आने से आपके रिश्ते में काफ़ी हद तक चीज़ें सही होगा, या फिर आपके अगर बच्चे हैं तो बच्चे के मीडियम से जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें सही होगा, ठीक है। सो यहाँ पे नेक्स्ट मुझे हेल्दी सेक्सुअलिटी दिख रही है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन जो है आपसे बहुत फिजिकली इंटीमेसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर आप दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग था, फिजिकल इंटीमेसी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा ही अच्छा था, ठीक है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर आप दोनों साथ में कहीं स्टे करते थे, रहते थे, बात करते थे, काफ़ी बार वो उस चीज़ को याद करते हैं, ठीक है। और लॉयल्टी, और इसके लिए भी मैं एक निकालती हूँ कार्ड। किंग ऑफ वाटर, हाँ जी। सो किंग ऑफ कप्स के कार्ड आया है। सो ये पर्सन आई थिंक आपके साथ जो है अभी दिल का नाता जोड़ना चाहते हैं, दिल से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि जो हो सकता है कि ये धोखा इन्होंने दिया हो, डिसलॉयल रहे हो, लेकिन अभी स्लोली स्लोली चीज़ें लॉयल हो रही है, स्लोली स्लोली चीज़ें अच्छी हो रही है। तो ये एज अ लॉयल पार्टनर की तरह आपके साथ अभी रहना चाहते हैं, ठीक है। डिसलॉयल ये और नहीं होना चाहते, कंपैशनेट ये आपके बारे में हो रहे हैं, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे, हैप्पी हैप्पी, मुझे अच्छी चीज़ दिख रही है, ठीक है। तो खुश हो जाओ, क्योंकि ये पर्सन आपके लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लेके आने वाली है, और ये पर्सन आपके लाइफ में वो देंगे जो उनके लिए बड़ा ही प्रेशियस है। उनका दिल वो इतना इजीली किसी को नहीं देते हैं, और इनका दिल कोई चीज़ से बहुत जल्दी भर जाता है, लेकिन आप ऐसे इंसान हो जो आपसे दिल इनका नहीं भरा है, वो वापस आ रहे हैं, ठीक है। लॉयल्टी मतलब उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो प्यार है, उस प्यार की जो पहली तोहफा होता है वो लॉयल्टी ही होती है। तो वही चीज़ मुझे तुम्हारे को पहले देनी है, ठीक है। अभी मुझे 1717 दिखा, इसका मतलब आप थोड़ा गूगल में देख लेना, 1717 एंजल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास सोलमेट का कार्ड है। तो मैंने तो पहले ही बोल दिया था, आप लोग या तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सोलमेट हो, या फिर आप लोग बिल्कुल मैं बोल सकती हूँ कि ट्विन फ्लेम कम दिख रहे हो, काफी हाई और अच्छे लेवल के सोलमेट दिख रहे हो, ठीक है। चलो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का। राइट नाउ ये पर्सन अपने दिल को बिल्कुल पकड़ के बैठे हैं। कैसे तो मैं अपनी फीलिंग्स बोलूं, क्या करूं, मतलब ये कि नर्वस हो रहे हैं वो, ठीक है। कुछ चीजें करने से पहले ये बहुत ज्यादा नर्वस हो रहे हैं। वाह, 10 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ फायर, ज़्यादा टाइम मुझे नहीं दिख रहा है, विद इन 2 वीक। राइट नाउ अभी के लिए तो वही सोच रहे हैं कि विद इन 14 डेज जो है आपके साथ आके बात करें, और 1 साल के अंदर अंदर अगर पॉसिबल है तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है आपसे शादी करना चाहेंगे 1 साल के अंदर अंदर, क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा है कि वो लेट होगा। और अगर आप दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो विद इन 14 to 15 डेज जो है आप दोनों के बीच में काफ़ी पॉजिटिव चेंज आएगी, क्योंकि उनको आपके साथ कुछ चीज़ें प्लान करके आगे बढ़ानी है, ठीक है। मैसेज देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से। ये मैसेज है, आफ्टर ऑल द प्रॉब्लम आई वेंट टू स्पेंड माई लाइफ विथ यू माई लव। सब कुछ प्रॉब्लम होने के बाद मेरी जान, मैं अपने जो लाइफ है वो तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता हूँ, या फिर चाहती हूँ, ठीक है। अभी मैं उन लोगों के लिए रीडिंग दूंगी, बताऊंगी कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी किस्मत में लॉयल पार्टनर है या नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए सबसे पहले अगर आप फीमेल हो, अपना लेफ्ट हैंड देखो, मेल हो तो राइट हैंड देखो, और ये वाले पोजीशन को आपको देखनी है, और ये वाले पोजीशन को आपको देखनी है। यहाँ पे एक रेखा होगी ना,
इस तरीके से, अगर इस रेखा पे इस तरीके से आगे को या फिर पीछे को लाइंस होंगे, तो ये इंडिकेट करता है कि आपके लाइफ में जो भी पार्टनर होंगे वो बड़ा ही आपके लिए लॉयल होंगे, डिसलॉयल वो नहीं होंगे। शायद आपको इनिशियली ना मिले लेकिन वो काफ़ी हद तक लॉयल होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पामेस्ट्री में बताऊंगी कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, वो बहुत सारे लोगों को क्वेश्चंस होते हैं, बताऊंगी मैं। लेकिन आज लव मैरिज का एक साइन बता देती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं 5 से 6 साइन बताऊंगी, लेकिन आज एक बता देती हूँ। और वही फीमेल का लेफ्ट एंड मेल का राइट हैंड, अगर यहाँ पे आपका एक क्रॉस है दैट इंडिकेट लव मैरिज, लेकिन और भी बहुत कुछ देखना पड़ता है, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई, और मिलते हैं अगली रीडिंग पे। बाय।